अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम नजर बद यानी बुरी नजर के बारे में बिल्कुल सीधी सादी जबान में यानी सरल भाषा में बात करेंगे, ताकि हर एक के बात समझ में आए। यानी नजर बद बुरी नजर क्या होती है, क्यों होती है, कैसे लगती है, उसकी निशानियां क्या है, उसका इलाज क्या है, बचने का तरीका क्या है, और ये नकली आमिल और ये नकली बाबा इस नजर बद और बुरी नज़र से कितना भ्रम पैदा करते हैं और कितने पैसे आपसे लूटते हैं, और कैसे आपके ईमान, आपके अकीदे, आपके जज्बात, आपकी मजबूरी और पैसों से किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए कि आपको इन सब बातों का इल्म नहीं है और आप इलाज से भी ला इल्म होते हैं और डरते हैं। और नकली बाबाओं का तो सारा खेल, सारा षड्यंत्र डर और खौफ का है। आपको डरा कर और आपको खौफ दिलाकर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, अब तो सब खत्म हो गया, और आप पैसे लुटाते जाते हैं और बाबाओं और नकली आमिलों के सामने हाथ जोड़ते रहते हो। आज मैं आपको नजर बद के बारे में तफसील बताता हूं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि बुरी नजर लगती है या नहीं, क्या हदीस पाक में इसका जिक्र है। तो मैं आपको बता दूं कि नजर बद बिल्कुल लगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर का लग जाना हक है, और फरमाया कि अगर तकदीर पर कोई चीज भारी होती तो वो नजर होती। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला फरमाती है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो मेरे पास एक बच्ची थी जिसके चेहरे पर पीलाहट और कमजोरी थी। तो आपने फरमाया कि इस पर दम कराओ, इस पर नजर बद का असर है, इसको बुरी नजर लगी है। और बहुत सारी हदीसें नजर के ताल्लुक से हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि नजर बद होती है। अब हम बात करते हैं कि नजर बद कैसी लगती है, यानी बुरी नजर कैसे लगती है। हदीस पाक में नजर बद लगाने वाले को आइन कहते हैं। आइन यानी नजर लगाने वाले, और नजर लगाने वाले दो किस्म के होते हैं, दो वैरायटी है उनमें। एक वो जो जानबूझकर नजर लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी नजर में शर है, बुराई है, वो जिसको भी नजर लगाते हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए वो जानबूझकर ये काम करते रहते हैं और नजर लगाते रहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं कि जिनकी नजर में यानी नजर लगाने की तासीर होती है, लेकिन वो नहीं लगाते, बस उनके दिल में जो पाए जाने वाला हसद, जलन होता है, ये उसी से नजर लगाते हैं। इसलिए हमें हसद, जलन से बचने के लिए कहा गया है। किसी भी खूबसूरत चीज को और अच्छी चीज को देखकर जलन महसूस करना, जेलेसी फील करना, किसी का जिस्म अच्छा लग गया, किसी की आंख अच्छी लग गई, किसी का चेहरा अच्छा लग गया, किसी की बॉडी अच्छी लग गई, किसी का फिगर अच्छा लग गया, कुछ भी मतलब जो अच्छा लग गया तो बस जलकर उसकी तारीफ कर देना, अल्लाहुम्मा बारिक अलैही या माशाल्लाह नहीं कहना और जानबूझकर नहीं कहना, इससे नजर लग जाती है और ये हक है, सच है। नजर लग जाने का एक वाकया बहुत मशहूर है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आमिर बिन रबिया ने मेरे वालिद सहल बिन हनीफ को नहाते हुए देख लिया तो कहने लगे, क्या बात है, सहल का जिस्म और सहल के रंग रूप के क्या कहने, मैंने इतना खूबसूरत बदन तो किसी का भी नहीं देखा, सहल का जिस्म बिल्कुल औरतों से भी ज्यादा खूबसूरत है। बस इतना कहना था कि हजरत सहल को नजर लग गई और वो फौरन बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने उनको उठाया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आ गए और फरमाया, अल्लाह के रसूल, आप क्या इसका इलाज बताते हैं, इनको क्या हो गया कि ये सर उठाने की भी काबिल नहीं रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहल बिन हनीफ की यह हालत देखी तो फरमाया, इनको नजर बद लग गई है, इनको बुरी नजर लग गई है, क्या तुमको पता है कि इनको नजर किसने लगाई है, कोई है तुम्हारे वहमो गुमान में,
तो लोगों ने कहा कि आमिर बिन रबिया आए थे और उन्होंने ये जुमले कहकर गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन आमिर बिन रबिया को बुलाया और थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्या तुम अपने भाई को मार देना चाहते हो? अगर तुम्हारी नजर उनके जिस्म पर पड़ गई थी तो तुमने बारकअल्लाहु अलैह क्यों नहीं कहा, माशाल्लाह क्यों नहीं कहा, ताकि तुम्हारी नजर नहीं लगती? जाओ जल्दी से वजू करो और वजू का पानी लेकर आओ। उन्होंने ऐसे ही किया, वजू किया, वजू का पानी लेकर आया गया और हजरत सहल बिन हनीफ के सर पर डाला गया, पूरे बदन पर उनको यानी गुसल दिया गया। तो वो फौरन उनकी तबीयत अच्छी हो गई, नजर उतर गई और वो फौरन लोगों के साथ ऐसे चलने लगे जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं। इस हदीस से और इस वाकिये से हमको दो चीजों का पता चलता है। एक ये कि नजर बद लगती है, बुरी नजर लगती है, नजर का लग जाना हक है। और दूसरा उसका इलाज भी पता चल जाता है कि अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि आपको नजर किसकी लगी है तो उसको बुलाया जाए और उसको वजू कराया जाए और एक टब में उसका वजू का पानी जमा किया जाए और सर पर से बहा दिया जाए ताकि पानी पीछे भी और आगे भी पूरे बदन पर बह जाए, इससे नजर उतर जाती है। तो कभी भी अगर घर में किसी को भी नजर लगती है तो थोड़ा सा पहले जाकर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें कि आप कहां थे, किस कौन आपको घूर रहा था या किसने आपकी तारीफ की और माशाल्लाह नहीं बोला, बारक अल्लाहु अलैक नहीं बोला, यानी अल्लाह की तारीफ नहीं की बल्कि सिर्फ आपकी तारीफ की। थोड़ा सा गौर करने के बाद अगर आप उसको बुला ले और उसको जो है वजू करके उसका पानी लेकर गुसल कर ले तो आपकी नजर उतर जाएगी। और अगर पता चल जाता है कि फलाने की नजर लग गई है और तो उस पर वाजिब है कि वो अपने वजू का पानी उनको दे, वो मना नहीं कर सकता। जैसे अगर मैंने किसी को नजर लगा दिया है, मेरी नजर अगर लग गई है तो फुकहा लिखते हैं कि मुझे मना करने का हक नहीं है। मैं ये ना बोलना शुरू करूं कि नहीं नहीं मैं नजर कैसे लगा सकता हूं, मेरी नजर तो अच्छी है, बुरी नहीं है। नहीं भाई, अगर उनको शक है तो आप अपना वजू का पानी उनको दे दो, है ना, वो उनका इलाज हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये नजर का इलाज है। अब हम बात करते हैं कि नजर लग जाने की निशानियां क्या है, कैसे पता लगेगा कि मुझे नजर लग गई है या आपको नजर लग गई है। जो मैं अभी आपको चीजें बता रहा हूं, जो निशानियां बता रहा हूं, इसमें से दो तीन तो हदीस से साबित है, बाकी सब उलमा-ए-किराम और अच्छे मुआलिज यानी इलाज करने वालों के तजुर्बों से पता चलता है। उन्होंने तजुर्बा किया है, तजजिया किया है कि इन चीजों का हो जाना भी नजर के लग जाने जैसा ही है। जैसे अचानक कुछ तब्दीली आ जाना, यानी अचानक आपको बुखार आ गया, कुछ भी नहीं था, अचानक बुखार चढ़ने लग गया, अचानक सर में दर्द हो जाना और चेहरा पीला पड़ जाना, आंखों के नीचे के जो हलके हैं वो काले पड़ जाना, आपको हार्ट की दिल की कोई बीमारी नहीं है लेकिन सीने में घुटन का एहसास होना, कुरान की तिलावत सुनकर घबराहट का होना और जिस्म में कुछ तब्दीलियां पैदा होना अचानक, यानी अचानक गर्मी महसूस होना, पसीने का आ जाना, खास करके कमर के नीचे पसीना ज्यादा आना, बेचैन हो जाना, घबराहट का हो जाना, बेसबब आंसुओं का निकलना, पलकों का फड़कना और जिस्म के किसी हिस्से का खुद ब खुद हरकत करना और दिल थोड़ा सा दबा दबा डूबा डूबा सा रहना और बदन पर अगर कोई बीमारी आपको पहले से नहीं है तो जरा नीले नीले धब्बे लग जाना, ये सब नजर की लग जाने की निशानियां हैं। इसमें से दो तीन तो ऐसे हैं कि जैसे जो हदीस से साबित है कि आंखों के नीचे हलके आ जाना या फिर रंग पीला पड़ जाना या जरूरत से ज्यादा दुबला हो जाना, ये हदीस से साबित है। बाकी चीजें जो इलाज करने वाले हैं, उलमा-ए-किराम हैं या जो अच्छे मौलिज हैं, उन्होंने अपने तजुर्बों से अपने तजजियों से ये चीजें निकाली है कि ये भी नजर लग जाने की निशानियां हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जरूरी नहीं है कि ये सब बातें नजर बद से ही हो। जैसे बुखार का आना, सर में दर्द होना, सीने में घुटन होना और भी दूसरी जो चीजें बताई गई है, ये जिस्मानी तकलीफें भी हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए पहले डॉक्टर से मिले, अपना चेकअप वगैरह कराएं,
आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल होने के बाद भी ये तकलीफें अगर हो रही है तो फिर कहा जा सकता है कि ये नजरबद है। हदीस से तो सिर्फ दो तीन चीजें नजरबद की निशानी के तौर पर मालूम पड़ती है, जिस्म का पीला पड़ना, आंखों का नीचे का कालापन और बेहद दुबला होना, बाकी सब तजुर्बों के बेस पर कहा जाता है। बात समझ में आई?